नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ERCP शर्मा में स्वागत है। दोस्तों, मैं CP शर्मा आज आप सभी के लिए कंप्यूटर के विकास से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन लेके आया हूँ और उम्मीद है कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि कंप्यूटर के विकास का कोई क्वेश्चन आता है तो इनसे बार शायद ही देखने को मिलेगा। हम इसी उद्देश्य के साथ में वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बिना समय गवाए आप सभी प्रत्येक 60 क्वेश्चनों का आंसर देना और आप अपना स्कोर वीडियो पूरा हो जाने के बाद में कमेंट में ज़रूर बताना कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं और इतने गलत हैं। आपको भी इस चीज़ का अनुमान होगा कि हाँ मेरी तैयारी कितनी बेहतरीन है, आपको और पढ़ने की ज़रूरत है या बिल्कुल ठीक ठाक है। ओके, तो हम बिना समय गवाए वीडियो को चालू करते हैं और पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पे बताना है घड़ी, डिफरेंस इंजन, अबेकस, कैलकुलेटर। तो राइट आंसर हो जाएगा अबेकस। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? अबेकस। मात्र 30 सेकंड का समय दूंगा, इससे ज़्यादा समय नहीं दूंगा मैं प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर, 3 या 5 सेकंड का, 30 ज़्यादा बोल दिया। अबेकस किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा निर्माण किया गया था, 5000 ईसा पूर्व किया गया था। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है? पैकमैन कंप्यूटर जो है वो प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बना है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन, जोसेफ मेरी जैकवार्ड। मैकेनिकल कंप्यूटर की बात हो रही है तो इसका आविष्कार किया था, निर्माण किया था ब्लेज पास्कल ने किया था। कब किया था? तो 1642 में किया था। 1642 में आपका कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। किसने पंचकार्ड का आरंभ किया था? पंचकार्ड पावरस, जैकवार्ड, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। तो पंचकार्ड की बात हो रही है तो बताइए, देखिए इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तीनों ही नहीं हैं। अब आपको बताना है कि पंचकार्ड का आरंभ किया था किसने किया था, पंचकार्ड का आविष्कार किसने किया था, ये आपको वीडियो पूरा हो जाने के बाद में गूगल से सर्च मार के या आपको पता है तो लास्ट में बताना है। ओके, और फिर भी आपको नहीं पता है तो आप मेरे को पूछ लेना। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था वह कौन सा कंप्यूटर है? यांत्रिक, विद्युत यांत्रिक, विद्युत या सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बता दीजिए 1, 2, 3 और आपकी 3 सेकंड कंप्लीट होती है, राइट आंसर हो जाएगा विद्युत, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले बन गया था, कौन सा बन गया था? विद्युत कंप्यूटर बन गया था। अगला क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर है कौन सा कंप्यूटर है बताइए। देखिए एनालॉग क्या होते हैं और डिजिटल क्या होते हैं वो है मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले आप बताइए कि एनालॉग कंप्यूटर है तो यह निम्न स्तर पर संप्रेषित करने वाला कंप्यूटर है। सर समझ में नहीं आया, एनालॉग में क्या होते हैं कि जो भी यंत्र होते हैं वो संकेतक के माध्यम से कार्य करते हैं, ऐसा संकेतक आता है उनमें, जबकि डिजिटल अंकों के आधार पे कार्य करते हैं, जैसे 1, 2, 1, 0 वगैरह जो आता है ना, डिजिटल कार्य करते हैं डिजिटल पे, गणना के आधार पर है ना, अंकों के आधार पे करता है डिजिटल, एनालॉग संकेतक के माध्यम से करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्न स्तर पर संप्रेषित करना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? पर्सनल कंप्यूटर की सही व्याख्या कौन करता है? तो बताइए देखिए कि सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, या पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर पीसी कंप्यूटर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे, पर्सनल कंप्यूटर ओके, व्यक्तिगत कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, लैपटॉप क्या है? क्लिनिकल प्रयोगशालाओं में उपयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकते हैं,
ये सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये सारी बातें सही है आपकी लैपटॉप के बारे में, जिसे नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर के बारे में बताना है, चार बातें दे रखी है, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ताओं के डाटा प्रोसेस करना, यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है, ये सभी, तो बिल्कुल ये सारी बातें सही है सुपर कंप्यूटर के बारे में। महासंगणक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, महासंगणक कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बड़े संगठनों में इसका उपयोग किया जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमारे देश का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, और हमारे देश का कंप्यूटर कौन सा है पहला, और विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है। ये चार क्वेश्चन कमेंट में आपको वीडियो पूरा हो जाने के बाद में बताना है, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा, वीडियो के अंत में मैं आपको रिप्लाई दूंगा उन चारों क्वेश्चनों के, सुन लेना। देश का पहला सुपर कंप्यूटर, हमारे देश भारत का, हमारे देश का पहला कंप्यूटर, यानी कि सुपर के अलावा जो पहला कंप्यूटर बना था वह देश का पहला कंप्यूटर और देश का सुपर कंप्यूटर पहला, ये चार क्वेश्चन आपको कहीं से भी सर्च करके या आपको याद है तो आपको बताना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है, बिल्कुल दिखता है, पोमटोम कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है, बिल्कुल गलत बात है, पोमटोम कंप्यूटर हल्का व जेब में आ सकता है ये बात गलत है। पोमटोम जो होता है उसको हथेली के ऊपर रख के चला सकते हो, कंप्यूटर आता है लेकिन जेब में आ सकता है, ये बात गलत है भाई। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था, किसने किया था, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने, चार्ल्स बेबेज ने, ब्लेज पास्कल ने या जॉर्डन मूरी ने, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट बता दीजिए, सुपर कंप्यूटर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सबसे महंगा, सबसे बड़ा, सबसे तेज। अगला क्वेश्चन, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, तो अभी मैंने बताया था तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। सामान्य तौर पे कौन सा कंप्यूटर प्रयोग करते हैं, तो डिजिटल प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रे क्या है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है, तो 3 सेकंड का समय आप सभी के पास में है तो बता दीजिए, क्रे क्या है, सुपर कंप्यूटर है, कहाँ का है, अमेरिका का है, अमेरिका कंपनी द्वारा निर्मित है, ओके सुपर कंप्यूटर है क्रे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों के प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी, पंचम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं प्रमुख विशेषता कौन सी होगी, तो कृत्रिम बुद्धि मत बताना भाई, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा घर घर उपयोग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, कौन से कंप्यूटर होते हैं, सुपर, लैपटॉप, मिनी, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लैपटॉप। अगला क्वेश्चन है, चिप के उत्पादन हेतु निम्न में से किसकी जरूरत होती है, चिप आती है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, आईसी को क्या कहते हैं, चिप कहते हैं, तो उसका निर्माण के लिए कौन सी धातु का या कौन सी जो पदार्थ है उसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन का ही प्रयोग क्यों करते हैं, तो ये अर्धचालक होती है, अर्धचालक होती है, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, सिलिकॉन नहीं ली जाए तो कौन सी धातु प्रयोग ली जाएगी या कौन सा पदार्थ प्रयोग लिया जाएगा, तो जर्मेनियम लिया जाएगा, या तो जर्मेनियम ऑप्शन में होगा या सिलिकॉन ऑप्शन में होगा, अधिकांश सिलिकॉन का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, आईसी इंटीग्रेटेड सिल्क जो है, इंटीग्रेटेड सर्किट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है,
मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? जो मल्टी प्रोग्राम हैं उनका प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में शुरू हुआ था? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात हो रही है तो तीसरी पीढ़ी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि उच्च स्तरीय भाषा तृतीय पीढ़ी से परिचित हुई थी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है उसके लिए मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो कौन सी प्रयोगशाला में, या इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, जर्मन प्रयोगशाला, बेल प्रयोगशाला? तो बताइए, देखिए राइट आंसर हो जाएगा बेल प्रयोगशाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए देखें, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि चार्ल्स बेबेज का डिफरेंशियल इंजन था। कौन सा इंजन था वो? क्षमा चाहूँगा, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है चार्ल्स बेबेज के मैकेनिकल कंप्यूटर को, ना कि कैलकुलेटर, प्रोसेसर या पाम टॉप। यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? देखो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर कब बना था ये क्वेश्चन तो आ गया है, अब आपको बताना है कौन सा बना था। मैंने चार क्वेश्चन पूछे थे, वो आपको अपने हिसाब से बता देना लास्ट में, वीडियो पूरा हो जाने के बाद में। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1976 में बना था। ओके, तो आप सभी को बताना है कि पहले जो सुपर कंप्यूटर बना था ना उसका नाम क्या था। काम तो इसका 1975 में चालू हो गया था भाई, लेकिन ये 1976 में बना था। कब बना था? 1976 में बना था। और किसने विकसित किया था? तो डेनियल स्लोटनिक ने विकसित किया था। अब उसका नाम क्या था? नाम आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा नाम, क्योंकि इतना सा कार्य आपको करना है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत तौर पर माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? सर इतना इजी क्वेश्चन आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आ जाता है कभी कभी। चार्ल्स बेबेज राइट आंसर हो जाएगा। गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक, यांत्रिक इंजीनियर थे ये चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए। देखो चार क्वेश्चन पूछा था, एक तो आ चुका है, अब तीन के बताने हैं कि हमारे देश का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, और विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है। अब यहाँ पे एक का तो राइट आंसर आप सभी के सामने आ चुका है, तो बता दीजिए, सिद्धार्थ राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। ओके, कब? और सुपर कंप्यूटर का भी मैं बता देता हूँ, चलो आप ही बता देना, मैं नहीं बताऊँगा सुपर कंप्यूटर का। ओके, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना तो याद हो गया ना कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा? सिद्धार्थ। वहाँ जाके एक बार बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आर्यभट्ट करूँ या सिद्धार्थ करूँ या बुद्ध करूँ या अशोक, इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जीरो का आविष्कार ही आपने डट रखा है आर्यभट्ट ही, और वहाँ पर आर्यभट्ट करके आएंगे, कहीं देख लेना यदि एग्ज़ाम में आ जाता है ये क्वेश्चन। ओके, तो आपको नहीं करना है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिद्धार्थ याद रखना। ओके, सिद्धार्थ बुद्ध वाले सिद्धार्थ है ना। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर होता है कौन सा होता है? तो इससे इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही नहीं सकता, सुपर कंप्यूटर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है बताना है जरूर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का है कंप्यूटर है? चलो क्वेश्चन आ गया है, मैं आपको नहीं बताना है, सुपर कंप्यूटर है परम कंप्यूटर। देश में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? यह है सुपर कंप्यूटर परम है, और इसके अलावा
वैसे कंप्यूटर पूछे तो सिद्धार्थ है, वैसे सिद्धार्थ और वैसे परम, सुपर में तो परम आ जाएगा और वैसे सिद्धार्थ आ जाएगा। ओके, किसके द्वारा? सी डेक, याद रखना सी डेक कंपनी के द्वारा इसको तैयार किया गया था। स्वदेशी सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है भारत में निर्मित। सी डेक ये कंपनी का नाम भी पूछ लेता है, कौन सी कंपनी के द्वारा? तो सी डेक कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में प्रोटोन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? पूर्व में प्रोटोन का के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी के थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे असेंबली व उच्च स्तरीय भाषा कोबोल। प्रोटोन का उपयोग इनको चलाना आसान था, यानी कि कोबोल ओके और कौन सा फोर्ट्रॉन, इन दोनों का कौन सी पीढ़ी से हो जाएगा? तो दूसरी पीढ़ी से संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर जो है इसका प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तो चतुर्थ पीढ़ी में किया गया था। कौन सी पीढ़ी में? चतुर्थ पीढ़ी में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? टेली और टाइम शेयरिंग का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तो ये किया गया था तीसरी पीढ़ी में किया गया था। ओके, छोटा सा क्वेश्चन है भाई, देखो इनमें है ना, आपको याद है तो आप आंसर दे दीजिए, ओके वरना स्किप कर दीजिए। तो टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में? तो ये किया गया था तीसरी पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन है, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये अबेकस है, ये कौन सा है? अबेकस है। इसका आविष्कार कौन से देश में हुआ था? तो मैंने अभी बताया था, पहला जो कंप्यूटर है प्राचीन समय में गणना करने वाला अबेकस जो है इसका आविष्कार चीन में हुआ था। कब हुआ था? तो 4000 वर्ष पूर्व बताया जाता है, और इसे चीन में क्या कहते हैं? तो चीन में इसको सरोवन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सरोवन। हम हमारे जो उपवन होते हैं उनका नाम निकालते हैं सरोवन, और वहाँ पे सरोवन के नाम से जाना जाता है। चीन के अंदर किसको जाना जाता है? अबेकस को जाना जाता है, सरोवन के नाम से जाना जाता है। और गणना संयंत्र है अबेकस का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। इसमें क्या होते हैं? तो तार होते हैं, तारों में मोती लगे होते हैं, और इन मोतियों को जैसे छोटे बच्चों को हम गिनती सिखाते हैं वैसा आता था आपका अबेकस, जिसे क्या कहते हैं? सरोवन कहते हैं चीन में। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्ता, कौन सा दोस्ता? छोटा आकार, बड़ा आकार, उष्मा की उत्पत्ति नहीं होना। तो बताइए, इतना इजी क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बड़ा आकार राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब प्रयोग की गई थी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, निर्वात नली प्रयोग की गई थी और उसका आकार बहुत बड़ा होता था। छोटा तो गलत है, और उष्मा तो उसमें उत्पत्ति नहीं होती थी क्योंकि आकार बड़ा था तो चारों तरफ फैल जाती थी, तो ये बात गलत हो जाएगी। बड़ा आकार राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? तृतीय पीढ़ी में कौन से घटक का प्रयोग किया गया था? बताइए, देखिए तो राइट आंसर हो जाएगा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन की बनी होती है। तृतीय पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे आईसी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है कौन से हैं? अब कार्य के आधार पर अलग है, आकार के आधार पर अलग है, तो आपको कार्य के आधार पर पूछ रहा है कि कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर हैं वह कौन सा है? बताइए, देखें डिजिटल है, एनालॉग है, माइक्रो जो है माइक्रो कंप्यूटर है, या कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखो
कार्य के आधार पे पूछ रहा है ना, तो कार्य के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होगा। एक होता है एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है, इसके साथ साथ में एक हाइब्रिड होता है। लेकिन ये थोड़ी ना होता है, माइक्रो नहीं होता है। माइक्रो किस में आ जाएगा, तो माइक्रो आ जाएगा आपका आकार के आधार पर, किस में आएगा, आकार में आएगा। कार्य के आधार पर तीन प्रकार के, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्य के आधार पर ध्यान रखना, एनालॉग डिजिटल और आपका हाइब्रिड आ जाएगा, और आकार के आधार पर आते हैं मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, पर्सनल है ना, लैपटॉप, ये सारे किसके आधार पर आते हैं, ये कार्य के आधार पर आ जाते हैं आपके, सुपर कंप्यूटर, पॉम टॉम वगैरह सब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्षमा चाहूँगा, ये टिक गलत लग गया है, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मैंने समझा दिया है, एनालॉग डिजिटल और जो आपका है हाइब्रिड कंप्यूटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। सुपर चिप का प्रयोग निम्न में से कंप्यूटरों में लगाने के लिए सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। देखो कितना घुमा के क्वेश्चन को दिया है कि सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। उस चिप के बारे में बताना है, वो सुपर चिप क्या होती है। 34 का आंसर देना है तो बताइए। देखें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 80386, 80386 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीवी के आकार का कंप्यूटर निम्न में से कौन सा होता है, प्रकाशीय, माइक्रो, सुपर, मेन फ्रेम, तो बताइए। देखें टीवी के आकार का, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वह आपका क्या होता है, ये टीवी के आकार का होता है, और ये कार्य के आधार पर इसको बांटा गया है माइक्रो कंप्यूटर को, ध्यान रखना। ओके, जैसे एप्पल, मैक, IMSC, IBM है ना, ये अन्य कई कंपनियों ने इसको बनाया भी है, उसका उपयोग व्यवसाय में, घरों में, मनोरंजन, चिकित्सा में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है, माइक्रो कंप्यूटर की बात हो रही है, बताइए देखिए क्षमता कितनी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1,00,000 संक्रियाए, एक सेकंड, ये कितनी होती है, एक सेकंड में 1,00,000 संक्रियाए राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, IMSC क्या है, अभी मैंने बोला था IMSC क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, बताइए देखिए, डी राइट आंसर हो जाएगा, मशीन हो जाएगा। और मशीन में भी पूछे ना, तो ध्यान रखना एक तरीका का कंप्यूटर होता है, और कौन सा कंप्यूटर होता है ये, तो माइक्रो कंप्यूटर होता है। कौन सा कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, IMSC। ओके, अगला क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था, अभी बताया था, बता दीजिए, देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के पिता, एनालिटिकल इंजन। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है, फाइल, गेम, गति, सी डी, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गति, स्पीड, 3GH स्पीड होती है, आप सभी को पता होगा शायद, 3GH हर्ट्ज है ना, 3GHz इसकी स्पीड होती है कंप्यूटर की। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था, निर्वात, ट्यूब, ट्रांजिस्टर, LSI है ना, IC, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब प्रयोग की गई थी, आकार बड़ा था इस वजह से इसको घटा दिया गया, फिर दूसरी पीढ़ी में किया गया आपका ट्रांजिस्टर का, तीसरी में IC का प्रयोग किया गया था, LIC का उपयोग चौथी पीढ़ी में किया गया था। सारी पीढ़ियों के बारे में मैंने बता दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकार के आधार